दोस्तों, हर गर्भवती महिला का एक सपना होता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा हेल्दी और स्मार्ट बने। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान हेल्दी और पौष्टिक भोजन का सेवन भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, गर्भस्थ शिशु के दिमागी विकास में पोषक तत्वों वाले भोजन के सेवन के साथ साथ गर्भवती महिला का लाइफस्टाइल भी बहुत प्रभाव डालता है। गर्भ में पल रहा बच्चा तभी स्वस्थ और इंटेलिजेंट होगा अगर मां दिमागी रूप से खुश रहेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उन्हें जरूर अपनानी चाहिए ताकि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा हेल्दी, स्मार्ट और सुपर इंटेलिजेंट बन सके। वीडियो को आप शुरू में ही लाइक कर देना क्योंकि बाद में वीडियो की भावनाओं में आप खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे प्रेरणा देता है इस तरह की रोज नई नई वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहला है, पेट को हाथ से टच करें। गर्भ में पलने वाले शिशु में टच सेंसेस सबसे पहले विकसित होते हैं। जब गर्भवती महिला अपने पेट पर हाथ फेरती है, अपने पेट को सहलाती है, तो गर्भस्थ शिशु टच को महसूस करता है। उसके नर्वस सिस्टम तक ये टच पहुंचता है और बच्चे का नर्वस सिस्टम अपने माँ के टच को पहचानना शुरू कर देता है। इससे माँ और गर्भ में पल रहे शिशु के बीच प्यारा और मधुर रिश्ता बनता है, जिससे बच्चे का इंटेलिजेंस विकसित होता है। हल्के हाथों से पेट की करें मसाज। प्रेग्नेंट महिला अपने बेबी बंप यानी पेट पर अपने हाथों को घुमाए। बहुत हल्के हाथों से दबाव के साथ पेट पर हाथ घुमाते हुए अपने पेट की मसाज करें। आप गर्भस्थ शिशु की मसाज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे के ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के दिमाग की गति बढ़ती है, उसमें सुधार आता है। साथ ही इस तरह करने से पोषक तत्वों से भरपूर एमनियोटिक वाटर गर्भस्थ शिशु तक अच्छी तरह पहुंचता है, जो कि उसके दिमागी और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे को कराएं स्वाद का अनुभव। दोस्तों, गर्भवती महिला जो कुछ भी खाती है, एमनियोटिक फ्लूड के जरिए गर्भ में पल रहे शिशु तक उस चीज का स्वाद पहुंच जाता है। आपकी डाइट गर्भस्थ शिशु को भी स्वाद का अनुभव करवाती है। दोस्तों, गर्भ में पल रहे बच्चे के टेस्ट बड्स प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अलग अलग चीजों के स्वाद का अनुभव करा सकती हैं। जैसे कि अगर आप संतरा खाती हैं तो एमनियोटिक फ्लूड के जरिए बच्चे तक संतरे का स्वाद पहुंच जाएगा, और अगर आप गाजर खाती हैं तो गर्भस्थ शिशु को गाजर के स्वाद का भी अनुभव हो जाएगा, यानी कि वह गर्भ में ही अलग अलग चीजों के स्वाद के बारे में सीख जाएगा। गर्भस्थ शिशु से करें बातें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आपके टच को महसूस करता है, आपकी आवाज को सुन सकता है, वह अपनी मां की आवाज को अच्छी तरह पहचानता भी है, तो इसका मतलब है आप अपने बेबी से अपने दिल की बात भी कर सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट बने, तो आप उससे बातें करना शुरू कर दें। उससे बातें करके आप उसके ब्रेन की पावर को बढ़ा सकती हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कोई गीत गा सकती हैं, कहानियां सुना सकती हैं, कविता सुना सकती हैं, या फिर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातें कर सकती हैं। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास के साथ साथ उसके मूड को खुश करने में भी सहायता मिलती है। अच्छा संगीत सुने। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि गर्भ में शिशु बाहर की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, अपनी मां की आवाज को पहचानता है। हल्का म्यूजिक सुनने से वह रिलैक्स महसूस करता है, इसलिए आप ऐसा मधुर संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो, आप रिलैक्स फील करें, क्योंकि अगर आप रिलैक्स महसूस करेंगी तो शिशु भी रिलैक्स महसूस करेगा, क्योंकि हल्का मधुर संगीत सुनने से दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनता है, जो कि मूड को अच्छा बनाने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के मूड को भी बेहतर बनाता है, और इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी बेहतर महसूस होता है। ताजी हवा में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। प्रेग्नेंट महिला को रोजाना ताजी हवा में सैर करनी चाहिए, और शरीर को फिजिकल रूप से एक्टिव रखने के लिए वह हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। इससे एक तो आगे चलकर डिलीवरी में आसानी होती है, दूसरा इससे फील गुड हार्मोन निकलता है, जिससे गर्भस्थ शिशु के ब्रेन को फायदा पहुंचता है, उसके दिमाग तक ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होने लगता है, जो कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर अमल करके आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इंटेलिजेंट और स्मार्ट बना सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।